हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइनस प्रो बायोलॉजी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टिफर एग्ज़ाम में अप्लाई किए हैं और आप टिफर के किसी भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं या इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लाल वाला बटन है उसे दबाइए और उसके बगल में घंटी है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर सकते हैं। तो बहुत बच्चों को यहाँ पे इंतज़ार नहीं किया जा रहा है और उनको टिफर 2023 के रिजल्ट का इंतज़ार है। तो चलिए हम उसी के रिलेशन में एक वीडियो लाए हैं। तो पहली बार तो अगर आप सन 2023 के टिफर दिए हैं तो फिर भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल अभी आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए भी गाइड करेगा। और अगर आप सन 2024 टिफर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं, कुछ एनालिसिस यहाँ पे लाए हैं, इस एनालिसिस को आप ध्यान से समझिए। 2022 जो टिफर हुआ था उसका एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में आया था, सेम एज 2023 का भी एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में आया था। 2022 का एप्लीकेशन जो है 25 नवंबर को था और एडमिट कार्ड आया था, और जीएस 2023 का 27 तारीख को आया था। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था, 11 दिसंबर को पेपर हुआ था। ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जो संडे होता है दिसंबर का, उसी में एग्जाम होता है। रिस्पॉन्स सीट की भी डेट सेम थी, पर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि सन 2022 में 11 से 14 तारीख था कैटेगरी सबमिट, बट इन दिस ईयर दे रिलीज अ 18 और 18 से 21 था, 18 to 21। तो ये प्रोसेस आपका हो चुका है। अब आपका है कि एक लिस्ट निकलनी है जो कि NCBS रिलीज करेगा। तो जो NCBS रिलीज करेगा ये लिस्ट रिलीज होने के बाद इनविटेशन आता है फुल एप्लीकेशन का, जिसमें आपको SOP देना होता है। तो ये लिस्ट जब ये 14 तारीख को था तो लास्ट वीक में आया था, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आया था पिछली बार। इस बार ये चूंकि 21 हो चुका है, तो मैंने ये प्रेडिक्शन किया है कि जो लिस्ट है वो फाइव जो है फाइव टू एट के बीच में आनी चाहिए। और अगर ये फाइव के फर्स्ट वीक में अगर लिस्ट आती है जो कि NCBS की साइट पे आता है, इस लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट होती है जिसमें वो पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएससी तीनों की लिस्ट रिलीज करते हैं, और ये लिस्ट रिलीज होने के एक वीक बाद आपका इनविटेशन आता है ईमेल। तो बाय द प्रेडिक्शन पिछली बार 10 तारीख को आया था, 14 इज द लास्ट डेट टू 10 आया था, तो इस बार मुझे लगता है कि 10 से 20 के बीच में, 10 to 20 फरवरी के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। पिछली बार लास्ट डेट 4 अप्रैल था, तो इस बार भी ये 4 अप्रैल ही रहेगा। दूसरा सबसे कंफ्यूजिंग टर्म जो बच्चों के बीच में है वो ये है कि बाकी इंस्टीट्यूट कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, पहले लिस्ट NCBS रिलीज करता है और NCBS फुल एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करता है। सबसे पहले NCBS ही ये काम करेगा, इनिशिएट बायोलॉजी के लिए NCBS करता है। पहले टिफर अपना एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है और वो बच्चों का नाम रिलीज करता है कि ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। टिफर के जो चारों के चारों टिफर है उसमें, इसके बाद अदर इंस्टीट्यूट अपना रिलीज करते हैं। मतलब क्या है
कि टिफर अपना पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो जून तक कंप्लीट कर देता है, इंटरव्यू लेके वो बता देता है कि आपका सिलेक्शन है या नहीं। जून जुलाई और जून जुलाई में आपका बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट है वो इंटरव्यू लेते हैं। तो बाकी इंटरव्यू के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। ये चैनल आपको पर्टिकुलर हर एक इंस्टीट्यूट में कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आपको बताएगा, जैसे NBRC और NII में आ चुका है। ACTRC ने अपना एग्जाम ले लिया है जो कि अगले महीने में वो भी अपना रिजल्ट निकालेगा, और जैसे ही टिफर का रिजल्ट आता है वह भी एक लिस्ट रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि आप फॉर्म फिल कीजिए। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको भ्रम में नहीं डालना। बहुत ही आराम से मैंने आपको बताया कि कब क्या होने वाला है ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ द GS 2022 और 2023। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।